एशिया कप शुरू होने में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है टूर्नामेंट के लिए, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई और भारतीय चयनकर्ता अब तक कुछ खिलाड़ियों की चोट की वजह से लेकर संशय की स्थिति में है। इस वजह से अब तक टीम की घोषणा नहीं की गई है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को फिटनेस हासिल करने के लिए डेडलाइन दी गई है। इसके बाद से दोनों ने वापसी को लेकर अपनी कोशिश तेज कर दी है। राहुल और श्रेयस दोनों ने फिलहाल बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट अकादमी में फिटनेस पर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में एनसीए की चोट से उभर रहे ऋषभ पंत ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल और श्रेयस एक साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि राहुल और श्रेयस एशिया कप के लिए भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सोमवार को पंत ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल और श्रेयस बैटिंग प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। पंत ने संकेत दिए हैं कि राहुल और श्रेयस जल्दी वापसी कर सकते हैं। पंत ने इसके कैप्शन में लिखा है, काफी समय बाद लाइव क्रिकेट देखकर अच्छा लगा। इस हफ्ते के अंत तक एशिया कप के लिए टीम की घोषणा हो सकती है। एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से होने जा रही है। पहले मैच में पाकिस्तान की टीम मुल्तान में नेपाल से भिड़ेगी। साल एशिया कप हाइब्रिड फॉर्मेट में खेला जाएगा। 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। फिलहाल रिहैब में है और वह पिछले साल दिसंबर में हुए कार हादसे के चोट से रिकवर कर रहा है। पंत ने भी फिटनेस हासिल करने के लिए लेकर तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वे पूरे साल एक्शन में नहीं दिख सकते हैं। पंत को ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। 24 साल का ये भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजी हादसे की वजह से आईपीएल भी नहीं खेल पाया था। आईपीएल के दौरान ही राहुल की जांघ में चोट लगी, जिसके बाद में सर्जरी हुई। वहीं श्रेयस के कमर में चोट था, उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। वीडियो जरूर कर दें।